अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है कास्ट प्लाटो। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कास्ट प्लाटो, द वैली ऑफ फ्लावर्स इन महाराष्ट्र। आई लव माय महाराष्ट्र। सो स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र, यहाँ मेरा दिल और घर दोनों है, पर ये जगह थोड़ी खास है क्योंकि यहाँ के फूल फ्रांस, इटली, नेदरलैंड सबको पीछे छोड़ते हैं। मैं आई हूँ एट कास फ्लाटो ऑन द स्पेशल एपिसोड ऑफ आई लव माय महाराष्ट्र। चार पाँच घंटों की कंफर्टेबल ड्राइव के बाद आई एम फाइनली इन सतारा। सतारा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ महाराष्ट्र, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 16th सेंचुरी। और खास बात ये है कि ये कास प्लाटो से सिर्फ 40-45 मिनट्स दूर है। स्पेशली द होटल वेयर आई एम स्टेइंग, विच इज फर्न रेसिडेंसी सतारा, इट इज लिटरली ऑन द हाईवे, इजिली एक्सेसिबल, एंड एज यू कैन सी द रूम्स आर लग्जोरियस, एंड लुक एट दैट, द हॉस्पिटैलिटी सीम्स क्वाइट ग्रैंड। मॉर्निंग फ्रॉम सतारा। वेल फाइनली वो दिन आ गया है व्हेन आई एम गोइंग टू बी विजिटिंग द गॉर्जियस वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ महाराष्ट्र, कास प्लाटो। सतारा से अबाउट एक घंटे की ड्राइव है, पर आज हम सिर्फ वही जगह एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसके आसपास की कई सारी खूबसूरत जगहें एक्सप्लोर करेंगे, एंड आई एम श्योर मेरी जर्नी भी उतनी ही ब्यूटीफुल रहेगी एज मच एज द डेस्टिनेशन, एंड आई कैन ऑलरेडी सी अ गॉर्जियस पाथवे राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो आज सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ की एक खूबसूरत जगह से, जिसका नाम है बमनोली विलेज, जो सतारा से एक घंटे दूर है और कास प्लाटो से 5 किलोमीटर दूर। द ड्राइव टू दिस विलेज इज सिंपली मैजेस्टिक ड्यूरिंग द मॉनसूनस, विथ रोड्स फुल ऑफ फॉग अमिडस्ट द डेंस फॉरेस्ट एंड शाइनिंग रोड्स दैट विल मेक दिस ड्राइव सो मेमोरेबल। सबसे पहला स्पॉट द बमनोली विलेज, विच इज द सीनिक विलेज नियर कास प्लाटो। बहुत ही खूबसूरत है, इट्स सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ शिव सागर लेक ऑन कोयना डैम। बोटिंग यहाँ की सबसे मेन एक्टिविटी है, विच इज प्रोवाइडेड बाय द लोकल्स। दे टेक यू टू द नियर बाय अट्रैक्शंस लाइक टपोला, विच इज नोन टू बी द मिनी कश्मीर ऑफ महाराष्ट्र। द बोट कैन ऑल्सो टेक यू टू विसोटा फोर्ट, विच इज द ओनली फोर्ट लोकेटेड इन द फॉरेस्ट, एंड बोटिंग इज द ओनली वे टू गेट देयर। देयर इज ऑल्सो नागेश्वर टेम्पल। तो ये ब्यूटिफुल व्यू देखकर आई एम क्वाइट टेम्पटेड टू टेक अ बोट राइड, सो कम ऑन, लेट्स बिगिन एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ महाराष्ट्र।
एट द कास्ट प्लेटो, वेरी एक्साइटेड टू सी द गॉर्जियस वैली ऑफ फ्लावर्स. यहाँ आने की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप टाइमिंग को हमेशा ध्यान में रखें, बिकॉज पूरे साल में सिर्फ ऐसे 2 से 3 ही हफ्ते होते हैं व्हेन द फ्लावर्स हियर कम्प्लीटली ब्लूम. इट्स नाइस, मिस्टी एंड फॉगी. मुझे तो थोड़ी ठंड लग रही है. आई एम गोना रैप दिस शॉल अराउंड मी एंड एक्सप्लोर दिस वैली ऑफ फ्लावर्स. सी यू. कास्ट प्लेटो इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल हेरिटेज साइट. आप यहाँ ऐसे ही नहीं जा सकते. एज पर द न्यू रूल्स, यू हैव टू बाय टिकट्स ऑनलाइन एंड बुक योर स्लॉट इन एडवांस. प्राइस ऑफ द टिकट इज ओनली ₹100, बट फॉर एवरी स्लॉट देयर इज अ लिमिट ऑफ ओनली 1000 पीपल. दिस यूजुअली ओपन्स इन द मिड ऑफ सितंबर टिल द मिड ऑफ अक्टूबर. दिस ईयर ड्यू टू द हैवी रेनफॉल द फ्लावर्स हैवंट बीन एबल टू ब्लूम एज मच एज दे डू एवरी ईयर, एटलीस्ट मेरी विजिट में जो थी मिड ऑफ सितंबर में. But these pictures should tell you how it actually looks like when it blooms completely by mid of October. Cast Plateau ke paas bhi kuch hidden gems hai jiske bare mein bahut logo ko nahi pata. Now I'm going to the tallest waterfall in India called Bhambavli Vajrai Waterfall, jise Vajrai Waterfall bhi kehte hain. Maharashtra ki aur bhi khoobsurat jagahon ke bare mein aap jaan sakte hain unki website par, and also remember to follow them on social media. You can reach the waterfall by walking the road from Cast village or even take your vehicle to the point, jiske baad it's a 50-minute walk. And now, as my last stop, I've come to Vajrai Waterfall, which is a beautiful three-stepped waterfall, one of the tallest waterfalls of India. Jiski height hai 560 meters. Jo door se hi bahut khoobsurat lag raha hai. I'm sure pass jaakar aur bhi acha lagega. But cars can't go there. You actually have to trek up to that point, which I'm going to do after wrapping this video. I hope you've enjoyed exploring Cast Plateau with me. Let me tell you, it's not just about the Valley of Flowers. Cast mein aur bhi bahut sari khoobsurat cheeze hain to explore. I hope you enjoyed watching this video. Until then, it's me, Kamya Jani, signing off. जी जनाब, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बहुत हैरान होता हूँ, जिस लोकेशन पे महाराष्ट्र है वहाँ पर वाटरफॉल्स भी हैं, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, इतने खूबसूरत आबशार हैं, वैलीज हैं. मैं हैरान होता हूँ, यकीन करें बस. अच्छा, मैं वॉलपेपर्स देखती थी ना, जो कंप्यूटर वगैरह में सेट करते हैं या मोबाइल वगैरह में भी आप कहते हैं, तो मैं सोचती थी कौन सी जगह है. इसमें कम से कम बताया करें, हमें पता तो चले, क्योंकि जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे स्कूल लाइफ में तो वॉलपेपर के ऊपर नाम नहीं आता था. अब तो चले मोबाइल में फिर भी जगहों के नाम मैंशन होते हैं वॉलपेपर्स पे, तो उस वक्त नहीं होता था. अब यकीन करें, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली जो पिंक फ्लावर्स थे और वैली का एक शॉट दिखाया था, एग्जैक्टली ये वॉलपेपर काफ़ी दिनों तक अपने कंप्यूटर पे यूज़ किया है. बिल्कुल, और बहुत फेमस है ये. बहुत फेमस है, हर कंप्यूटर, हर खुद आता है, हर मोबाइल में इस किस्म का वॉलपेपर. मुझे एग्जैक्टली यही लग रहा है कि मैंने यही देखा है. और एक ये था और एक येलो कलर के ट्यूलिप के फ्लावर्स थे, वो थे, वो पूरी वैली में भरे हुए थे, वो था. मैं हैरान हो गई कि ये शॉट इस वैली का था, कास्ट वैली का. यकीन करें, जो ब्यूटी इंडिया में है, मैं ये कहूँगी पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी. अच्छा, एक इतनी खूबसूरती. अच्छा, एक मसला और है कि ब्यूटी के अंदर वेरिएशन बहुत है. वेरिएशन मतलब आप थोड़ा और आगे चले जाएं तो दूसरी तरह की ब्यूटी, थोड़ा और आगे चले जाएं तो दूसरी तरह की ब्यूटी. मतलब आपको जो चाहिए दुनिया की, जो खूबसूरती हो सकती है, बर्फ़ हो सकती है, फ्लावर्स हो सकते हैं, ग्रीनरी हो सकती है, और क्या कहते हैं अपना, टी बाग हो सकते हैं, टी के पूरे पूरे खेत, खेती बाड़ी हो सकती है, पहाड़, टी के बागात हो सकते हैं, चाय के बागात हो सकते हैं, आबशार्स हो सकते हैं, झील्स हो सकती हैं. यार, नैनीताल झील मुझे याद आ गई. नैनीताल ना, नैनीताल का मतलब बताएं. आँख वाली झील, आँख जैसा, नैन का मतलब आँख, झील का मतलब है कि पानी ठहरा हुआ जो तालाब टाइप का. तो बिल्कुल आपका रिविजन करती हूँ. बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा. अच्छा वो, अच्छा इनके जो व्लॉग होते हैं कर्ली टेल्स के, इसमें मैंने एक चीज़ नोट की कि ऐसे बहुत सारे हमने व्लॉग देखे जो लोग आते हैं, शुरू हो जाते हैं व्लॉग, मुझे इनके व्लॉग में बड़ी तैयारी लगती है, मतलब प्लानिंग लगती है, इनकी अपनी ड्रेसिंग, इनके अपना लुक, इनकी प्रॉपर गाड़ी, फिर इनका प्रॉपर लंबा टूर, कई कई किलोमीटर ये टूर करके जाके वहाँ पे देखा कि बड़ी मीनाकारी है, और बड़ा मतलब मीनाकारी का मतलब होता है बड़ी मतलब कला है, बड़ा टैलेंट है इन लोगों में, बड़ी स्किल्स के साथ काम करते हैं ये लोग. कि आप, मैंने एक शॉट देखा, आपने अभी वीडियो में देखा होगा, एक शॉट था कि वो बैठी हैं विंडो से बाय कर रही हैं, और दूसरा ही शॉट था कार के अंदर का,
तो मतलब कितनी भाग दौड़ होती होगी कि पहले बाहर से लो, फिर होटल को बाहर से लो, फिर अंदर से लो, फिर अंदर जाकर जब बैठ के आप उनको थोड़ा सा कैप्चर करो, बाहर से भी आप दिखाओ, सामने से भी आप आता हुआ दिखाओ कि कार आ रही है या वो आ रही हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार एक तो टाइम टेकिंग बहुत है, और जितना हमें हलवा दिखता है ना कि एक व्लॉग आ गया जी हमने रिएक्शन दे दिया, इनकी बड़ी मेहनत होती है। नहीं, इनके व्लॉग भी एक स्पेशलिटी है कि इनका थोड़ा काम यूनिक है, यूनिक है। और शॉर्ट्स आप देखिएगा, मिनट मिनट में आपको शॉर्ट्स तब्दील होते हुए दिखेंगे, मतलब एक ही जैसा बोरियत नहीं लगती। उसकी लॉजिक ये होती है कि ये बहुत सारे शॉर्ट्स तो ले लेते हैं, फिर उसको एडिट पे मैनेज करते हैं, कभी वो शॉर्ट लगा दिया, कभी वो शॉर्ट लगा दिया, लेकिन इनके शॉर्ट में रिपीटेशन नहीं है, मतलब बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज। आप देखें सिर्फ 8 मिनट के अंदर इन्होंने 2 से 3 जगह एक्सप्लोर कर ली। एक मैंने वीडियो देखी थी, आई थिंक वो वीडियो थी तमिलनाडु और जो पहाड़ वीडियो आपको याद होगी कैनेडा की वीडियो, उसमें एक ही शॉट मैंने 3 बार देखा उस वीडियो में। अच्छा, जब मैंने 3 बार देखा, वैसे तो आप नहीं बता पाते हो कि क्या मसला है क्या कमी है, जिसमें आप कह रहे थे कि ये बोलते बहुत कम नहीं है, ये बस ज़्यादातर घूम रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जैसे ये इन्फॉर्मेशन देती हैं, डिटेल्स देती हैं, रेस्टोरेंट है तो उसके बारे में बता रही हैं, होटल है तो उसके बारे में बता रही हैं, जगह के बारे में बता रही हैं, हिस्ट्री बता रही हैं। जैसे सतारा के बारे में बोला, सतारा तो एक नॉलेज हो गई आपको, तो आप उसमें कह भी रहे थे कि ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कुछ बताते, डिटेल्स नहीं बताते ज़्यादा। तो उसमें एक ही शॉट के मतलब वो जो उसमें एक ब्लॉगर थी, वो एक दफ़ा घूम रही हैं, फिर दोबारा दूसरे शॉट में देखा फिर घूम रही हैं, फिर आखिर में आखिरी शॉट में देखा फिर घूम रही हैं। तो मुझे थोड़ा ना अंदर से हुआ यार एक ही शॉट बार बार। उनके व्लॉग की एक स्पेशलिटी ये थी कि वो ज़्यादातर ब्यूटी दिखाते थे, वो ज़्यादातर नेचर दिखाते थे, लेकिन डिफरेंट टाइप के शॉर्ट्स हमें देखने को इनके व्लॉग में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। अच्छा, ये है डिफरेंट टाइप के, और शॉर्ट में बहुत ही लिमिटेड छोटा बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेल दे देते हैं, तो इंसान को अच्छा लगता है। पता, इनकी वीडियो अक्सर ऐसा होता है पता ही नहीं चलता कब खत्म हुई कब। और इनकी वीडियो ऐसा है कि बच्चा भी देखे ना इनकी वीडियो, और उसके बारे में जैसे हमें सतारा के बारे में मुझे नहीं पता, कास्ट फ्लैटों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अब कोई मुझसे बात करे तो मैं बता सकती हूँ विलेज भी है भाई, वहाँ तो आबशार भी हैं भाई, वहाँ तो फ्लावर्स भी हैं भाई, उसकी तो हिस्ट्री भी है, सतारा का मतलब ये भी है। तो मैं ये कहूँगी कि इन्फॉर्मेशन भी होती है साथ साथ में। बिल्कुल, तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र में एक वैली है जहाँ पे खूबसूरत फूल खिलते हैं, लेकिन लेकिन एक ही चीज़ को देखते देखते, जैसे फ्लावर्स को देखते देखते दिल उब जाए, आबशारों को देखते देखते, पानी वाली जगहों को देखते देखते दिल उब जाए, पहाड़ों को देखते देखते दिल उब जाए। यानी कि एक कंट्री जिसके अंदर हर जगह बस वही एक ही स्पेशलिटी पाई जाए, तो वहाँ के लोग और बाहर के टूरिज़्म जो टूरिस्ट आएंगे उनका दिल भर जाए। मुझे इंडिया में ये बात बहुत खास लगती है कि सिर्फ ही पहाड़ नहीं भरे हुए, सिर्फ ही ग्रीनरी नहीं भरी हुई, सिर्फ ही फ्लावर्स नहीं भरे हुए, सिर्फ ही वाटरफॉल्स नहीं भरे हुए, यानी हर जगह थोड़ा सा खिता है, थोड़ा सा डिस्टेंस है चीज़ें चेंज है, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस है चीज़ें चेंज है, जो देखकर आपकी आँखों को, आपके दिल को, आपको अच्छा लगता है, जो आपको फ्रेश करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।